नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं भूमि विकास बैंक के संविदा कर्मचारी, जो हम आज इनसे जानेंगे कि इसकी इनकी क्या क्या मांगे हैं। सर, आप आज यहाँ क्यों आए? हमने कटारिया साहब को ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम लगभग 15 वर्षों से कार्य कर रहा है, सरकार पे ऊपर हमारा कोई ध्यान नहीं, जबकि सरकार चाहती है तो 2 मिनट का काम है। सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। संस्था प्रॉफिट में है, संस्था सैलरी दे सकती है। राजस्थान सरकार को ये मामला संज्ञान में लेना चाहिए, और जो 3 साल से लगे हुए हैं उनको नियमित किया जा रहा है, और जो 15 सालों से लगे हुए हैं उनके मतलब कोई फेवर में नहीं है। सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही, सरकार के ऊपर कोई भी इस पर प्रभाव नहीं है। वेतन देती है तो हमारी संस्था देती है, सरकार को ये ध्यान देना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं। आप कितने वर्षों से सर? 15 वर्षों से सर हूँ मैं, 15 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ सर। सरकार पर इसका कितना भार है? कोई प्रभाव नहीं है सर। बैंक संस्था सैलरी वैन करती है, इनके अलावा कोई वैन नहीं करती है। हम 15 साल से काम करते हैं और रेगुलर काम करते हैं। हमारे ऊपर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है, हम कोई किसी पार्टी नेता से नहीं है, इसलिए हमारा डिपार्टमेंट को मीडिया के सामने रखा नहीं जा रहा है। सर, आपका क्या कहना है इन पर? हमारी ये कहना है कि हम भी 6 साल से भूमि विकास बैंक में काम कर रहे हैं सुविधा पर, और हमको परमानेंट नहीं किया जा रहा, और सभी बाकी को परमानेंट किया जा रहा है। सरकार से एक ही इच्छा है कि वो संज्ञान में ले मामला। सरकार के ऊपर कोई प्रभार नहीं है, और हमें आशा है कि अशोक गहलोत के द्वारा सबका कल्याण हुआ है तो हमारा भी होगा। श्रीमान जी अशोक गहलोत जी, सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा, हम भी गरीब आदमी, हमारे ऊपर कोई देखने वाला नहीं है, प्लीज़ हमको भी कीजिए। सरकार पर इसका कोई प्रभार नहीं पड़ेगा। अब कितने पोस्टें खाली हैं सर इस बैंक में? हम 200 सुविधा कर्मचारी लगे हुए और 400 पोस्टें खाली है। सरकार चाहती है तो कर सकती है, और सरकार सूचना भी मांगती है, मगर आगे तक वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। अभी गुलाब चंद कटारिया साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने आपको कुछ आश्वासन दिया है? उन्होंने क्या उन्होंने आश्वासन दिया है कि विधानसभा में क्वेश्चन उठाएंगे, हम अपनी मांग रखेंगे। हम यही चाहते हैं कि वो मांग रखे, सरकार को ये नज़र में आए कि इन्होंने विचारों ने क्या बिगाड़ा है। जब 3 साल के आदमी लग जाते हैं तो 15 सालों से लगे हुए उनकी बात क्यों नहीं पहुँच रही है सर? बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि इन संविदा कर्मचारियों को इनको इनकी ड्यूटी नियमित करके इनको परमानेंट करना चाहिए, इनकी ये मांग है राज्य सरकार से। ब्यूरो रिपोर्ट, SKZ TV, बालोतरा।